लाहौर की हरदिल अजीज शख्सियत ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तीफी बट चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड की रिहायशगाह पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाने के लिए शहर लाहौर के ताजरों और हजारों अफराद की शिरकत, पंडाल जलसे का मंजर पेश करने लगा और बैंड बाजों ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स, पंडाल में बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई। कारकुनान ने भंगड़े डालकर अपने कायद से मोहब्बत का इजहार किया। मेहमानों के तवाज़ो के लिए खाने का वसी इंतजाम था। पंडाल और सारे रोड्स पर मियां नवाज शरीफ और तीफी बट की फ्लैक्सेस की भरमार थी। निजाम टीवी के सीनियर एंकर डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल से ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तीफी बट और ताजरों का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं निजाम टीवी, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। नाजी सको हम मौजूद है ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तीफी बट साहब, जो कि अकबरी मंडी के चेयरमैन है। आज उनकी रिहायशगाह पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और मियां नवाशी के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नवाशी से मोहब्बत करने और ख्वाजा तारीफ गुलशन से मोहब्बत करने के वाले हजारों की तादाद में मौजूद हैं, आइए ख्वाजा साहब से बात करते हैं। जो मेरे चाहने वाले, मैं खुद मियां नवाशी साहब का चाहने वाला हूँ। सारे लाहौर के ताजर इंशाल्लाह जलसे में जा रहे हैं, काफ़ी जा चुके हैं, मज़ीद जा रहे हैं और मेरी अकल के मुताबिक ये पाकिस्तान का सबसे तरीही बड़ा जलसा होगा। सर, हम लोग ताजर की भीड़ पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, जिस मार्केट में गए हैं आप ही का नाम सुनेंगे, ख्वाजा साहब ने हदायत की है, उसकी तैयारियां भरपूर जो कर से सर ताजर मियां नवाशी साहब जब आ गए हैं तो क्या देखने को मुल्क में बेहतरी आएगी? जो आपने पहले बोला ना कि ताजर कह रहे हैं, उनकी मेहरबानी, प्यार है हमारा, दोस्ती है सबके साथ। आगे आप अगली बात आपने की है नवाज शरीफ साहब, महंगाई बेरोज़गारी। आपको पता सबको, जब नवाज शरीफ साहब की पिछली गवर्नमेंट थी, इन्होंने लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म किए थे। इंशाल्लाह ताला ये बेरोज़गारी और महंगाई को भी ख़त्म करेंगे। अजरवान साहब जो कि सदर है अकबरी मंडी बोर्ड के, आइए उससे जानते कि वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज लाहौर की ताजर बरादरी जो कि पूरे शहर से ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट साहब की हदायत पे यहाँ पे पहुँची इनकी मोहब्बत में, और आगे यहाँ से तकरीबन सारे गाड़ियों में निकल चुके हैं जलसे में जाने के लिए, हम भी बस जा रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ पे आज के इस्तकबाल का, तो सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पिछला उनका जो अदवार गुजरे हैं उनमें जितना काम उन्होंने किया है किसी और ने नहीं किया, और हम ये तवक्को करते हैं कि वो ताजरों की बेहतरी के लिए भी काम करेंगे और मुल्क को स्टेबल करने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। और हम अपने चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज बड़ा अच्छा फंक्शन किया, सारी लाहौर की ताजर बरादरी इधर मौजूद थी और जोग दर जोग लोग शौक से इनकी मोहब्बत में यहाँ पे आए और आगे भी जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो चेयरमैन हैं उनकी कौन सी अच्छी क्वालिटी है उनमें, या कौन सा जादू है उनके पास के जो ताजर मुख्तलिफ ग्रुपों में बड़े होते हैं, मगर इनकी जब शख्सियत आती है तो तमाम ताजर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं। इनकी मेहरबानी है कि वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, ये ताजर बरादरी को प्रेफर करते हैं और किसी का भी कोई काम हो उसमें खुद अपना पूरी फिक्र के साथ तवज्जो के साथ उसको हल करने की कोशिश करते हैं जो भी इनके पास में हो। आज जो ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमरूफ तीफी भट्ट साहब चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड ने ये ताजरों का जो कट किया है मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, ये उनके शाया शान हमने करने किया है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जोग दर जोग जो इधर आपको पंडाल में नज़र आए हैं उधर भी नज़र आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम सपोर्ट जानी माली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, सबसे पहले वोट, हमारा वोट उनकी अमानत है। ठीक है, अब ये जो महंगाई का दौर चल रहा है ये आए हैं कोई प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला देंगे, इन्होंने पहले भी दिए, मामलात को हल किया है और अब हल करेंगे। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहाँ डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें